एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी विदार्ची में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है हमारा बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक पर है। उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली ये वीडियो जो कि यूट्यूब में अपना जो करियर है स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर स्टार्ट कर चुके हैं। वैसे तो वीडियो के टाइटल से आपको पता ही चल चुका है कि आज टॉपिक किस चीज के बारे में है। ये जो रिंग लाइट है ये मैंने परचेज किए हुए अराउंड 10 टू 15 डेज हो चुका है, बट मैं सोच रही थी पहले कि मैं उसी टाइम पे इसकी अनबॉक्सिंग टाइप ऑफ एक वीडियो शूट कर लूं। देन मेरे माइंड में आया कि नहीं, मैं थोड़ा सा पहले उसको यूज कर लेती हूं, देन आप लोगों के साथ इसका जो एक्सपीरियंस है वो मैं अच्छी तरह से शेयर कर पाऊंगी। वैसे मैं आपको इसका बता देती हूं कि रिंग लाइट में मतलब आपको बेसिक नीड क्यों होती है अगर आपका आर्टिस्ट हो या यूट्यूब में के लिए वीडियोस आप शूट करते हो। तो यूट्यूब में अगर आप वीडियो शूट करते हो और अगर आप ब्यूटी ब्लॉगर हो तो आपको ऑफकोर्स पता है कि मेकअप आर्टिस्ट या ब्यूटी ब्लॉगर को अपने जो मेकअप ट्यूटोरियल्स वगैरह के लिए या मेकअप शूट के लिए उनको रिंग लाइट यानी कि एक आर्टिफिशियल लाइट की जरूरत होती है जिससे कि उनके जो फेस पे है एक फोकस पड़ सके। तो ये रिंग लाइट इसी पर्पज से मैंने खरीदा था। रिंग लाइट्स जो होती है इसकी जो कॉस्टिंग होती है वो अराउंड आई गेस 1000 रुपीज से स्टार्ट हो जाती है, बट जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है यूट्यूब वीडियोस के लिए मैं बता रही हूँ तो 18 सेंटीमीटर जो होती है वो बेस्ट बताते हैं। तो मैंने ये रिंग लाइट जो है ऑनलाइन सर्च किया अमेजोन पे। जो रिंग लाइट है उसकी कॉस्टिंग अराउंड 5000 या 6000 के अराउंड थी, मतलब इतना ही था। तो ये जो रिंग लाइट है जब मैं सर्च कर रही थी तो मुझे ऑलमोस्ट ये आउट ऑफ स्टॉक मिल रही थी, तो मैंने इसको विश लिस्ट में जो है कार्ट में ऐड कर रखा था। तो कुछ दिन पहले मतलब ये मंगाने से मेरा पहले तो कुछ दिन पहले ये कार्ट में मेरे आ गया एंड मैंने इसको ऑर्डर प्लेस कर दिया। देन क्या हुआ, मैंने प्लेस तो कर दिया और मैंने आई थिंक थोड़ा डिस्काउंट वगैरह कुछ मिला था तो मुझे 4200 या 4500 के अराउंड मुझे मिल गया था, तो मैंने इसको ऑर्डर प्लेस कर दिया। बट उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे मना किया कि नहीं, पहले हमें मार्केट में सर्च करना चाहिए, हमें ट्राई करना चाहिए। हमने मार्केट में बहुत ज्यादा सर्च किया, देन हमें ये रिंग लाइट मिल गई। तो मुझे बेसिकली चाहिए थी डिजिटेक की ही रिंग लाइट चाहिए थी क्योंकि मैंने उसकी बहुत हाइप देख ली थी। एक्चुअल में ये अपने लोकल मार्केट से परचेज कर लिया था तो ये मुझे सिर्फ रिंग लाइट की कॉस्ट मुझे पड़ गई 3200 रुपीज। अलग से मैंने एक ट्राईपॉड भी परचेज किया क्योंकि जो मेरे पास ये नॉर्मल सा जो ट्राईपॉड है वो उस पे जो है फिट नहीं होता। ये दोनों की कॉस्टिंग मुझे अराउंड 4200 या 4000 के अराउंड पड़ गई। कहा मैं अमेजोन से ये सिर्फ और सिर्फ रिंग लाइट मैं 4200 में ले रही थी, तो ये मुझे बहुत अच्छी डील लगी। तो या एंड सब कुछ मैं आपको बता देती हूँ कि ये रिंग लाइट कैसे वर्क करती है एंड ये कैसा काम करता है। एंड वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे वीडियो तो प्लीज उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिंग लाइट है वो कुछ इस टाइप की पाउच में मुझे रिसीव हुआ था, इस टाइप के ब्लैक एंड पाउच है, आप लोग देख सकते हो। मैं वैसे अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हो ना तो आपको इसका आउटर बॉक्स भी मिलता है कार्डबोर्ड में, तो वो उसमें पूरा सारा आपको इसका जो इंस्ट्रक्शंस हैं बॉक्स में मतलब जो रिंग लाइट के जितने भी फीचर्स हैं वो उसमें मेंशन होते हैं। क्योंकि मुझे नहीं मिला तो मैंने मतलब मुझे इतना जरूरी भी नहीं लगा, उनके पास था बट वो आई थिंक उसकी कंडीशन खराब थी तो मैंने इसी को ले लिया। और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का इसका जो बैग है और ये इस टाइप से इसकी मतलब जिप लॉक है और इसको अभी आप ओपन करोगे इस तरीके से ये जिप लॉक है, आप लोग देख सकते हो। टाइप से ये रिंग लाइट है, आप लोग देख सकते हो, ये देखिए इस टाइप से। और इसमें जो है इसका जो मॉडल नंबर है वो भी मेंशन है, ERL18H। एंड इसमें जो है ये पावर का स्विच ऑन ऑफ बटन है जिससे कि आप डायरेक्टली मतलब से स्विच ऑन और ऑफ कर सकते हो। ये प्लग से आप जो है इसको अटैच कर सकते हो डायरेक्टली अपने प्लग के साथ। एंड इधर साइड में तो इधर साइड में आपको ये देखिए इस टाइप से आपको साइड में यहाँ पे एक बैटरी का भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि अगर आप एटली इसको मतलब प्लग से अगर कनेक्ट नहीं करना चाहते, अगर आप आउटडोर कहीं पर शूट कर रहे हो तो आप इसकी बैटरी परचेज करके मतलब आपको सेपरेटली परचेज करनी पड़ेगी। तो आई थिंक वो 1500 समथिंग की मिलती है बैटरी, इसमें दो बैटरीज डलेंगी और उससे आप आउटडोर शूट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे एक भी कर सकते हैं, साथ में इसके जो पावर है इसकी लाइट को भी कम और ज्यादा कर सकते हैं, ऐसे दोनों लाइट को आप देख सकते हैं। एंड इसमें ब्रांड का नेम लिखा हुआ है डिजिटेक, आप देख सकते हैं। इसमें आपको इस तरीके से एक माउंट मिल जाता है जिसमें कि आप इजीली अपना जो मोबाइल है होल्ड कर सकते हो, इस तरीके से आप देख सकते हो इस तरह से ये मोबाइल को होल्ड कर लेता है। साथ में आपको ये भी मिल जाता है, ये है अगर आप DSLR कैमरा से शूट करते हो ना
तो आप इससे भी कनेक्ट कर सकते हो। मतलब आपको ये दो माउंट मिल जाते हैं, एक से आप कैमरा मतलब मोबाइल कैमरे से शूट कर सकते हो और एक से आप DSLR कैमरा अगर यूज कर रहे हो तो उससे शूट कर सकते हो। मतलब दोनों चीज आपको इसमें मिल जाती है। आपको मिलता है इस टाइप की वायर जिससे कि आप ये डायरेक्ट अपने प्लग से कनेक्ट करेंगे और ये साथ में इस तरह से आप इसको रिंग लाइट में कनेक्ट करेंगे। इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कनेक्ट होता है, ये इस तरह से ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और आप अपने मतलब डायरेक्ट प्लग से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। फटाफट से मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये किस टाइप से वर्क करता है और कैसा ये लगता है अगर आप रिंग लाइट लेते हो और आपके फेस पे ये कैसे इफेक्ट पड़ता है। तो मैंने अपनी जो रिंग लाइट है वो फिक्स कर ली है अपने कैमरे में। अभी मेरे रूम की सारी लाइट्स ऑन है, अब मैं ऑफ करके फिर आपको दिखाती हूँ उसका इफेक्ट। तो अब पूरा अंधेरा हो चुका है गैस, मुझे लग रहा है आप लोगों को अभी दिख नहीं रही हूँ मैं बिल्कुल भी। तो अब मैं ये लाइट जो है ऑन करके दिखाती हूँ आपको। अभी मैं आपको लाइट ऑन करके दिखाती हूँ। ओके, रिंग लाइट मैंने ऑन कर ली, आप लोग देख सकते हो। तो उसकी थोड़ी सी सेटिंग्स मैं अभी थोड़ा सा दिखाती हूँ, सेटिंग है वो चेंज करती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको ऑफ कर देती हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको ऑफ कर दिया, अब मैं इसको ऑन करती हूँ। ये देखिए, तो ये मैंने इसको सबसे डिम लाइट रखी है ये मैंने। अब मैं इसका जो वो है फ्रेम बढ़ा रही हूँ, इसका जो मैं टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ ये मैंने बढ़ा लिया। ये येलो लाइट है आई गेस, इसको मैंने और बढ़ा लिया, ये देखो। एंड ये है इसकी इंटेंसिटी, ये पूरा मतलब हाई पे इंटेंसिटी है। ये येलो लाइट है या ब्लू लाइट, ये दोनों का मिक्सचर है। तो ये मैंने लाइट चेंज कर ली, ये है ब्लू लाइट, आप लोग देख सकते हो। ब्लू लाइट में सबसे ज्यादा हाई इंटेंसिटी पे है ये, देखिए। एंड इसको थोड़ा कम कर देती हूँ मैं, एंड थोड़ा सा और लो कर देती हूँ, और थोड़ा सा लो कर देती हूँ। ये सबसे लो पे है, ये थोड़ा सा और हाई हो गया, थोड़ा सा और हाई। एंड ये इसकी पूरी हाई इंटेंसिटी है इस लाइट की। मतलब ये दो कलर्स में होता है इसका जो टेम्परेचर है, एक येलो में एंड एक ब्लू में। और जो थर्ड वन है वो मतलब आप येलो और जो ब्लू का उसका दोनों का मिक्स कर सकते हो आप इसमें। तो ये येलो लाइट है जो कि एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ, ये है येलो लाइट इसका जो टेम्परेचर। ये मतलब आप कोई भी ब्राइडल शूट्स वगैरह कर सकते हो, बहुत अच्छी लगती है ये लाइट। तो बहुत मजा आ रहा है मुझे करने में ना, ये देखो ये लाइट का जो फोकस देखो, मतलब बहुत प्रिटी सा लगता है। अगर आप इसको बाय कर रहे हो ना तो आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होने वाला है गाइस, डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हो। मैं इसका जो अमेजोन लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक करना चाहेंगे तो। क्योंकि होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये किसी ना किसी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तब के लिए मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, बाय।